દમણના આરટીઓ વિભાગ દ્વારા સીએનજી કીટવાળી 17 જેટલી ઇકો ટેક્સીઓને પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે. દમણમાં રોજબરોજ સહેલાણીઓ ફરવા માટે આવતા હોય છે. અત્યાર સુધી દમણમાં જૂના જમાનાની પિયાદ અને એમ્બેસેડર કાર રોડ ઉપર દોડતી હતી. જોકે દમણના આરટીઓ વિભાગે પરમિટવાળી સીએનજી ઇકો ટેક્સી પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે લીલી ઝંડી બતાવી વાહન વ્યવહાર માટે શરૂ કરી હતી. टैक्सी शुरुआत करने में एक महत्वपूर्ण मैसेज है, वो वातावरण को भी पर्यावरण को भी वो सुरक्षित में रखने का एक मौका है. ये सीएनजी टैक्सी वो क्लीन फ्यूल में चलता है, इसलिए क्या है हमारा दमन के लिए एक अच्छा बात है. आने वाला समय में भी और बहुत टैक्सी सीएनजी में हम लोगों चलाना के लिए कोशिश करेंगे. अभी 17 टैक्सी तो हो गया है और 7 टैक्सी बाकी भी आ जाएगा आने वाला समय में. ये खुशी का बात है. अभी ये टैक्सी इधर चालू करने के बाद हमारा कम्यूटर्स कितना लोग हैं उसके लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा. सर ये दमन वापी के बीच में रहेगी या सारे दमन में इसका यूज? दमन वापी सर जिसके नाम का परमिट है वही टैक्सी चलाएगा या फिर किसी को रेंट पे लेके ऐसे? नहीं, किसका नाम है वही चलाना, वो अच्छा रहेगा. सर ये टैक्सी उसमें क्यों बोल दो, अभी क्या ना परमिट फिर तो कोई भी आदमी परमिट लेके किसी को बात दे सकता है ना. सर ये टैक्सी उसमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं? इस प्रकार के सुविधा बोलो तो ये तो क्लीन एनर्जी में है, आपको दिक्कत नहीं होता है. देन दूसरा चीज़ है क्या है ना, एक शुरुआत है, सभी एक ही कलर कोडिंग का जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है. देन क्या है देखेंगे कैसा सुविधा लोगों के लिए मिल रहा है, वो लोगों का फीडबैक भी लेंगे, उसी का अनुसार हम लोग आगे अपना प्रोग्राम. सर पहले जो था वो डीजल था, ये सर सीएनजी तो रेंट में कुछ कम ज़्यादा होगा इसमें? वही रहेगा जो पहले का पैसेंजर का जो रेंट वही रहेगा, क्योंकि नई गाड़ी भी लोगों ने ली है तो उनका वो उसका भी उसको सेम रेंट में चल लेंगे. फिर बाद में देखेंगे कोई इंटरवेंशन का जरूरत है बोला तो फिर देखेंगे. आज ये बहुत खुशी की बात है और सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रशासन साहब का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन सभी टैक्सी ओनर्स की तरफ से भी जिनको परमिट मिला है और दमन की जनता की तरफ से भी. क्योंकि अभी तक जो हमारी टैक्सीज थी वो डीजल में चल रही थी, पुरानी एम्बेसडर्स की जो आउटडेटेड हो गई थी, कहीं भी कभी भी ख़राब भी हो सकती थी. अभी एकदम नई टैक्सीज हैं, सभी एक ही कलर कोडिंग में हैं और इको फ्रेंडली हैं, सीएनजी बेस्ड हैं. तो ये सब और माननीय प्रधानमंत्री श्री जी के हाथों से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने परमिट डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा दिया था ऑलरेडी. तो आज क्योंकि ये लोग अपनी गाड़ियाँ ले चुके हैं तो आज इनको रोड पे फ्लैग ऑफ हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे किया है और इन सबको हमारी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएँ हैं. और इसके अलावा भी वक्त वक्त पर मैं देखता हूँ, अभी भी बात हुई कि तो हमारे प्रशासक साहब ने कहा कि इनके लिए बढ़िया सा एक फंक्शन किया जाए और उनका विशेष रूप से जो जो महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, जो टैक्सी ओनर्स हैं SC ST के लिए, साहब का एक विशेष रूप से एक लगाव रहा है हमेशा ही. और अभी और भी कुछ बेनिफिट्स हम जो इको फ्रेंडली जो व्हीकल्स हैं उनके लिए देने जा रहे हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और CNG व्हीकल्स और इन सब व्हीकल्स के लिए परमिट में भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इनके रजिस्ट्रेशन में भी दिया जाएगा, इनको इनके लिए अलग एक नंबर प्लेट भी होगी. इस तरह से दमन को क्लीन दमन और ग्रीन दमन बनाने की जो मुहिम है उसमें कुछ स्टेप जल्द ही लिए जाएंगे. और ऑक्शन भी जो माननीय प्रशासक साहब ने शुरू करवाई है उसके अंदर भी इस मंथ से अब हम ई ऑक्शन पे चले जाएंगे, जिससे कि किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा. कोशिश प्रयास हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये है कि पब्लिक को कम से कम विभाग में आना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा काम घर बैठे ही हो जाए. अभी वाहन 4 भी हमारा 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद घर बैठ के आदमी अपनी अपॉइंटमेंट ले सकता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि मुझे इस टाइम पे आके इस टाइम टेस्ट देना है, और उस अपना लाइसेंस जो है घर पे बैठ के ही अपने कंप्यूटर से प्रिंट निकाल सकता है. इसी तरह घर बैठ के ही अपनी पेमेंट भी दे सकता है, यहाँ नहीं आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए. तो मैक्सिमम जो है ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देने का प्रयास है और हमारे माननीय प्रशासक साहब का और सेक्रेटरी साहब का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया और पूरे स्टाफ का भी और आप लोगों का. ड्राइवर्स के लिए कुछ बिहेवियर का या फिर ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा कुछ? हाँ, ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दिया भी गया है और इनको और भी दिया जाएगा, साथ साथ इसमें फर्स्ट एड किट के लिए भी बात की गई है. और अभी जो गाड़ी आई हैं ये काफ़ी स्पेशियस भी हैं और पूरी फैमिली भी आपकी एक बार में, मतलब ये 5 के अलावा बैक साइड में भी सीट है तो वहाँ भी लोग बैठ सकते हैं. और ये अच्छी बात है कि दमन के लोगों को रोज़गार भी मिल गया है और पब्लिक को भी बेनिफिट. सर इसमें GPS लगाने की बात चल रही थी तो ये प्राइवेट व्हीकल्स हैं इनके, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि हम एक अगले मंथ से कोशिश कर रहे हैं कि सभी टैक्सीज को, जैसे बड़ी सिटीज़ के अंदर उबर ओला टाइप की जो ऐप्स रहती हैं
उस तरह का हमारे यहाँ पे चल रहा है अभी, और वो अभी एडवांस स्टेज में है। तो 11 टैक्सीज के नाम से हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि इनको टैक्सी ओनर्स को भी, परमिट वाले को भी कुछ नहीं देना है, सिर्फ जो यात्रा कर रहा है उसको बड़ा एक नॉमिनल सा 2-4-5 रुपये ही पे करना है। तो वो होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली सबको GPS से उसको जोड़ना ही होगा, और फिर आपको घर बैठे ही आप उस पर ऐप पे रजिस्टर करेंगे तो वहीं टैक्सी आपको लेने के लिए आएगी और पॉइंट तक छोड़ के आएगी। सर देखा जाता है कि सेफ्टी का बात करें तो जो भी ड्राइवर या जो भी पैसेंजर बैठे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य होता है जी, लेकिन इसमें सर जो भी अभी ड्राइवर जो भी गए थे उनका सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया, तो उसके ऊपर वो इन लोगों का 30-40 साल से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कब हमें मिलेगी, ये माननीय प्रशासक साहब आए तो मिला इनको। आप देखेंगे कि कुछ लोग अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को भी साथ लेकर वो बैठे हैं, तो आज इतनी खुशी के मारे वो लोग थोड़ा इस चीज़ को वो मिस कर गए होंगे, और आज इनका वो फर्स्ट डे है। तो बाकी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस चीज़ को टाइम टू टाइम इंश्योर करेगा कि सभी लोग सीट बेल्ट लगाएं, वो तो एक नियम है, वो सबको पालन करना है।